बल्लभ महाविद्यालय मंडी में लालचंद पार्थी राज्य स्तरीय जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला द्वारा किया गया। समारोह में उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी शिमला के सौजन्य से राजकीय बल्लभ महाविद्यालय मंडी में लालचंद पार्थी राज्य स्तरीय जयंती का आयोजन किया गया। समारोह में मंडी की सांस्कृतिक विरासत पर शोध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान लेखक संगोष्ठी, कवि सम्मेलन और संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में अकादमी के सचिव डॉ. करण सिंह ने बताया कि हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। आज का ये है कार्यक्रम हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष की तरह लालचंद पार्थी राज्य स्तरीय जयंती समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। आज के इस आयोजन में मंडी की सांस्कृतिक विरासत विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो डॉ. हिमेंद्र बाली द्वारा लिखा गया है और डॉ. इंद्र ठाकुर द्वारा यहां प्रस्तुत किया गया है। उस पर परिचर्चा हो रही है। इस सेमिनार में प्रथम सत्र में मंडी की लोक संस्कृति, संगीत, कला, साहित्य, पुरातत्व, लोकगीत, संस्कार गीत और मुक्त गीत, मंडी के मंदिर, देव परंपरा इत्यादि विभिन्न विषयों पर उसमें अलग अलग विद्वानों द्वारा परिचर्चा की गई है। और जो दूसरा सत्र हमारा है उसमें कार्यक्रम में कवि सम्मेलन रहेगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सभी भागों से यहां पहुंचे कवि अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं। जो कार्यक्रम का तीसरा सत्र है वो संगीत का रहेगा, जिसमें मलयाली का जो पारंपरिक लोक संगीत है, जो प्राचीन शैलियां लुप्त होती जा रही हैं, उन पर संगीत की प्रस्तुतियां रहेंगी। हिमाचल प्रदेश अकादमी का प्रयास ये है और सरकार का विजन ऐसा है कि हमारी जो लुप्त हो रही बोलियां हैं, भाषाएं हैं, संस्कृत हैं, संस्कृति है, लोक परंपराएं हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए, उनको नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे सामूहिक संयुक्त प्रयास किए जाएं। प्रदेश के वरिष्ठ विद्वानों के साथ साथ मंडी कॉलेज के विद्यार्थी भी भाग ले रहे हैं। समारोह के दौरान बल्लभ महाविद्यालय मंडी के प्राचार्य शर्मा ने महाविद्यालय में इस समारोह का आयोजन करने के लिए हिमाचल कला सांस्कृतिक भाषा अकादमी शिमला का आभार प्रकट किया। आज वल्लभ महाविद्यालय में भाषा संस्कृति अकादमी की तरफ से एक आयोजन किया गया है, जिसमें साहित्य, कविता, लोक साहित्य इसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो इसमें आज के आयोजन में हमारे मुख्य अतिथि जिलाधीश श्री ऋग्वेद ठाकुर थे और इसमें प्रदेश से आए हुए हिंदी के स्कॉलर्स भाषा के ऊपर और लोक साहित्य के ऊपर काफी संख्या में यहां पे विद्वान आए हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो है ऐसे आयोजन के पीछे जो एक इंटेंशन होती है वो होता है कि हमारी जो नई पीढ़ी है उसे जागरूक करना कि उनकी जड़ें क्या है, उनकी रूट्स क्या हैं, उनका जो पास्ट है, अतीत है, उनका जो संस्कृति है उसके प्रति उनका रुझान में उसमें कमी तो नहीं आ रही है। वास्तव में लोक साहित्य हमारी शिराओं में बहने वाले खून की तरह होता है, उसमें अगर कोई थोड़ा सा भी संक्रमण हो जाता है तो हमारी लोक संस्कृति, हमारी सोच, हमारी विरासत उसमें कुछ कमी आना शुरू हो जाती है और इसकी कई विकृतियां समाज में दिखाई देती हैं। तो ऐसे आयोजन से मैं समझता हूं कि हमारी नई पीढ़ी को एक सकारात्मक संदेश जाता है और उन्हें एक जिम्मेवारी का एहसास होता है कि जो ये विरासत है केवल ढोने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और आज जो ये मंथन चल रहा है साहित्य के ऊपर और हमारे जो लोकगीत हैं, लोक गाथाएं हैं और एक लोक संस्कृति है, तो संस्कृति के नाम पर भी हमारे जो युवा पीढ़ी है उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो उस विरासत को सहेजे, इसे संभाल कर रख रहे, उनका भी फर्ज बनता है।